मंगलवार को छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर कई नक्सली घटनाओं के बीच मतदान हुआ। देर शाम तक चुनाव का काम संपन्न हुआ। कोडागांव में वोटिंग पूरा कर ईवीएम के साथ लौट रहे मतदान कर्मियों का एक दल सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस सड़क हादसे में दो मतदान कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने सड़क हादसे में मतदान कर्मियों की मौत पर दुख जताया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण का मतदान कराने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई थी। शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद वापस कोडागांव जिला मुख्यालय के लिए लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में बहीगांव नाम के एक गांव के पास सुबह 4:30 बजे कर्मचारियों की गाड़ी और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए।